हम सभी को आम खाना बेहद पसंद है, पर क्या आप दुनिया के सबसे महंगे आम के बारे में जानते हैं, जिसकी कीमत एक साधारण आम की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं इसी आम के बारे में और जानते हैं कि यह आम कहाँ पाया जाता है। इस आम की शुरुआत 1984 में जापान में हुई थी, जब इसको पहली बार मियाज़ाकी सिटी में उगाया गया था, जिसकी वजह से इसका नाम मियाज़ाकी मैंगो रखा गया। जापान की मीडिया के मुताबिक ग्लोबल मार्केट में 1 किलोग्राम मियाज़ाकी आम की कीमत 2,70,000 रुपये है। यह आम दुनिया में सबसे महंगे आमों में से एक माने जाते हैं। संकल्प परियार, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर इलाके में रहते हैं, उन्होंने चेन्नई जाने के दौरान ट्रेन में एक व्यक्ति से आम के पौधे खरीदे थे। घर लौटकर उन्होंने जब वही पेड़ अपने बागीचे में लगाए और पेड़ बड़े होने पर जब उस पर फल लगे, तब उन्होंने पाया कि यह फल गहरे लाल रंग के हैं। तब उन्होंने उन आमों को अपनी माँ दामिनी का नाम दिया। जब उनको पता चला कि उन आमों की कीमत ग्लोबल मार्केट में 2,70,000 रुपये किलो है, तो उनके तो होश ही उड़ गए थे। अब उन्होंने उन पेड़ों की सुरक्षा के लिए गार्ड्स और कुत्ते तैनात कर रखे हैं, जो कि उन पेड़ों की निगरानी दिन रात करते हैं। संकल्प परियार ने बताया कि आम का उत्पादन करने वाले और फलों के शौकीन उन्हें इन आमों के लिए बड़ी कीमत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वह इन आमों को बेचना नहीं चाहते हैं, बल्कि इन आमों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाने के लिए करेंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो सके।